नमस्कार, आप देख रहे हैं डीजीआना न्यूज में शेखर उप्पल आपका स्वागत करता हूं। आइए रुक करते हैं आज दिन भर की प्रमुख खबरों की तरफ। सुप्रीम कोर्ट द्वारा एससी एसटी एक्ट में किए गए बदलाव के खिलाफ देश भर में दलित संगठनों द्वारा भारत बंद का ऐलान किया गया। दिल्ली, बिहार, यूपी, पंजाब के बाद मध्य प्रदेश में भी इसका खासा असर देखने को मिला। प्रदेश के चंबल इलाके में प्रदर्शन की घटनाएं सामने आ रही हैं। कई जगहों पर पथराव और तोड़फोड़ भी की गई है। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले छोड़े हैं और कई जगहों पर लाठीचार्ज भी किया गया है। सुरक्षा को देखते हुए पूरे प्रदेश में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने 20 मार्च को जारी एक आदेश में एससी एसटी एक्ट के दुरुपयोग पर चिंता जताते हुए इसके तहत तत्काल गिरफ्तारी या आपराधिक मामला दर्ज करने पर रोक लगा दी थी। कोर्ट ने एससी एसटी एक्ट के तहत दर्ज होने वाले केसों में अग्रिम जमानत को भी मंजूरी दे दी थी। इस बदलाव के खिलाफ आज देश भर के दलित संगठनों द्वारा भारत बंद का ऐलान किया गया। इसका असर अब मध्य प्रदेश में भी देखने को मिल रहा है। वहीं आज शहर में भी हजारों की तालाब में दलित समाज एकत्रित होकर समस्त बाजारों को बंद कराते हुए एवं दुकानदारों से झगड़ा करते हुए साथ ही कहीं तोड़फोड़ करते भी नजर आए। वहीं एक और तो दलित समाज ने कुछ लोगों को पुलिस के बीच छीना झपटी करते हुए देखा गया। जब पुलिस ने इन लोगों को तोड़फोड़ करने एवं लाठी चलाने से रोका तो ये लोग उग्र होते भी नजर आए। साथ ही पुलिस के साथ बहस एवं छीना झपटी भी की, लेकिन भारी पुलिस बल मौजूद होने की दशा में कहीं भी भीड़ कोई उपद्रव कर नहीं पाई। Oh,
उसका नहीं है। जैसा कि आपको विदित है, आज जो सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है उसके विरुद्ध में, केंद्र सरकार के विरुद्ध में जो SC ST एक्ट के जो प्रावधान में बदलाव किया गया, इसको लेकर के भारत बंद, मध्य प्रदेश बंद और हमने आज गुना बंद का आह्वान किया था। वो गणमान्य नागरिकों की सहयोग से, आप लोगों के सहयोग से काफ़ी हद तक सफल रहा और हम माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय से निवेदन करते हैं कि इस पर हमारे इस आंदोलन पर गंभीरता से विचार करें, चिंतन करें और जो एट्रोसिटी एक्ट है और जो आरक्षण है उसके साथ छेड़छाड़ ना की जाए, अन्यथा आने वाले समय में इसकी बहुत बड़े दुष्परिणाम हमारे सामने आएंगे। SC ST एक्ट में 1989 के तहत जो नियम है उसमें बदलाव किया माननीय न्यायालय द्वारा और उन्हें यह आरोप लगाया इसका दुरुपयोग होता है, जबकि महिला उत्पीड़न है, जैव उत्पीड़न है, कई ऐसे वो है उनको ने ध्यान दिया, मात्र जो BJP RSS के इशारे पर ये परिवर्तन किया है जिससे SC ST वर्ग में बहुत आक्रोश। उस चक्कर में जो हमारा राष्ट्रीय स्तर पर जो आह्वान था SC ST बिना राजनीतिक दल के, लोगों ने आज गुना जिले में शांतिपूर्वक रैली निकाल कर ज्ञापन दिया जिलाधीश महोदय। बंद के दौरान कुछ उपद्रवी तत्व दुकानों पर तोड़फोड़ करते नजर आए, जिसके चलते कई जगहों पर दुकानदारों के साथ हाथापाई एवं मुंहबात की स्थिति भी बनी, जिसके तत्काल बाद सभी दुकानदार एकत्रित होकर सिटी कोतवाली पहुंचे, जहां पर उन्होंने केस दर्ज भी कराया, जहां बताया जा रहा है कि कुछ लोगों के खिलाफ मामला भी पंजीबद्ध किया जा चुका है। सर जी, मेरी दुकान है, मैं दुकान बढ़ा रहा था, इतने में सारे लोग आए और मेरी दुकान का पूरा बैनर फाड़ दिया और राम भगवान का फोटो भी फाड़ दिया। क्या मानते हैं ये अच्छा है या गलत है? भाई साहब मेरे से कहा दुकान नहीं बढ़ा रहा, एक व्यक्ति आया, एक साथ जब 25 लोग हो गए तो मेरी सीलिंग में लट मारे, तोड़ा उसको और चुन्नियां कपड़ों को फाड़ के रोड़ों पे फेंका उसने मेरे कपड़ों को। मैं अपनी दुकान पे खड़ा हुआ था, पीछे मैंने उनको रोका कि रोक, एक मिनट, उनने मेरे मोबाइल में लट मारा खींचे और इसकी सीलिंग तोड़ दी दुकान। हनुमान गली बताए, क्या हुआ आपके साथ? मेरे साथ हाथापाई करने की कोशिश हुई। किसने? लड़के थे 3-4 आंदोलनकारी। हड़ताल के दौरान बंद रहा बैंकों का कारोबार। बता दें कि आज बंद के चलते आज दिन भर बैंकों का कारोबार भी ठप रहा, कारण बताया जा रहा है सर्वर का बंद होना। बता दें कि आज इंटरनेट की सर्विस कई जगहों पर बंद कर दी गई थी, जिसकी सूचना इंटरनेट प्रोवाइडरों द्वारा मोबाइल पर मैसेज के द्वारा दी गई थी। इंटरनेट ना होने के चलते आज बैंकों का कारोबार ठप रहा, वहीं किसी भी ATM से पैसे नहीं निकाले जा सके, इसके चलते लोग भी खासे परेशान होते नजर आए। शहर भर में विरोध प्रदर्शनों का दौर सा शुरू हो गया लगता है। इसी कड़ी में आज शहर के डॉक्टर्स भी विरोध प्रदर्शन करते हुए रैली के माध्यम से जिला कलेक्टर राजेश जैन को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपने पहुंचे। साक्षी मेडिकल कॉलेज एवं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने साथ मिलकर यह विरोध प्रदर्शन किया। इनकी प्रमुख मांगे थी NMC बिल को लागू न किया जाए, बिल कोर्स बंद किया जाए और साथ ही साथ डॉक्टर प्रोटेक्शन एक्ट को तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए। इन्हीं सब मांगों को लेकर एक रैली भी निकाली गई, जो कि शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए कलेक्ट्रेट पहुंची। आइए बताते हैं आपको क्या है ये NMC बिल और क्यों हो रहा है इसका विरोध। सबसे पहले बताते हैं आपको NMC बिल का उद्देश्य। NMC बिल का उद्देश्य है कि देश में चिकित्सा
कि एक ऐसी व्यवस्था बनाई जाए जो कि अंतरराष्ट्रीय स्तर की हो। इसके साथ ही प्रस्तावित आयोग की जिम्मेदारी होगी कि वे चिकित्सा शिक्षा के स्नातक एवं परास्नातक दोनों स्तरों पर उच्च कोटि के चिकित्सक उपलब्ध करा सके। NMC चिकित्सा विशेषज्ञों को इस बात के लिए प्रोत्साहित करेगा कि वे अपने फील्ड में नवीनतम मेडिकल रिसर्च को अपने काम में सम्मिलित करें और ऐसी रिसर्च में अपना योगदान भी दें। नेशनल मेडिकल कमीशन समय समय पर मेडिकल इंस्टीट्यूशंस का मूल्यांकन भी करेगा। प्रस्तावित आयोग एक मेडिकल रजिस्टर के रखरखाव की सुविधा प्रदान करेगा और मेडिकल सेवाओं में सभी पहलुओं पर नैतिक मापदंडों को लागू करवाएगा। इस बिल में अल्टरनेटिव मेडिसिन यानी कि होम्योपैथी, आयुर्वेदिक और यूनानी की प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टरों को भी एक ब्रिज कोर्स का प्रपोजल है, जिसके करने के बाद ये मॉडर्न मेडिसिन की प्रैक्टिस भी कर सकेंगे। आइए आपको बताते हैं कि आखिर क्यों हो रहा है इस बिल का विरोध। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी कि IMA का कहना है कि अगर ये बिल पास हुआ तो इतिहास का काला दिन होगा, क्योंकि अगर ये कानून लागू होता है तो इलाज और भी महंगा हो जाएगा, साथ ही भ्रष्टाचार को भी बढ़ावा मिलेगा। NIA नए बिल के प्रावधानों के सख्त खिलाफ भी है। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में 15% सीट के बजाय 60% सीटों को फीस तय करने का अधिकार मैनेजमेंट को दिया जाना है। MBBS के बाद भी प्रैक्टिस के लिए एक और परीक्षा को देना इस बिल में अनिवार्य बताया जा रहा है। साथ ही इससे मेडिकल की पढ़ाई भी और भी महंगी हो जाएगी। यही कारण है कि इस बिल का विरोध किया जा रहा है। आज इसी विरोध के चलते यहाँ पर रैली निकाली गई, साथ ही ज्ञापन भी सौंपा गया। कोई ऊपर से आया क्या कलेक्ट्रेट से? लो SC सेक्शन में गए। आज ये मेडिकल छात्रों की देशव्यापी हड़ताल हो रही है, उसमें हम साक्षी मेडिकल कॉलेज के समस्त स्टूडेंट के साथ IMA एवं अन्य डॉक्टर्स सम्मिलित होकर ये ज्ञापन मुख्यमंत्री को द्वारा कलेक्टर गुना भेज रहे हैं। हमारी प्रमुख मांगें हैं, NMC बिल को रोका जाए, ब्रिज कोर्स को बंद किया जाए, डॉक्टर्स प्रोटेक्शन एक्ट का पालन किया जाए, मेडिकल कॉलेज की 100% सीटों पर सरकार द्वारा फीस नियंत्रण हेतु क्लास में संशोधन किया जाए एवं चिकित्सा शिक्षा के लिए उचित कदम उठाए जाए। अगर ये मांगे हमारी स्वीकार नहीं की जाती हैं तो हम और भी कठोर कदम उठाने के लिए बाध्य होंगे। भारतीय जनता पार्टी ने आज आयोजित की समीक्षा बैठक। बैठक का आयोजन एक निजी होटल में किया गया। इस बैठक का उद्देश्य था कि संगठन ने प्रदेश के पदाधिकारियों के द्वारा चल रहे दौरों के जो पूर्ण हो चुके हैं उन्हीं के उपलक्ष्य में जो उनकी गतिविधियां रही उसकी समीक्षा करना था। एक स्थानीय कार्यक्रम मनाना उस दिन, जो यहाँ पे हमारे जिले के अनुसार यहाँ पर जो भी महापुरुष की जयंती, जैसे वाल्मीकि जयंती हो गई, रविदास जयंती, समरसता दिवस तो 14 अप्रैल को बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती, दूसरे जाके पकड़ लिया है। तो हमारे गांव कितने हैं, बूथ कितने हैं, तो हमको होना चाहिए इसके लिए। हम क्या करें सर, तो इसमें हमारे मंडल में कितने गाँव में कितने ग्राम केंद्र है, तीसरा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की, बाबा साहब अम्बेडकर की भी जयंती 14 अप्रैल को, तीसरा कार्यक्रम, चौथा श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती कब, 23 जून को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती है ना, चार। अब श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती है, 23 जून को अम्बेडकर जयंती है। शुद्ध संगठनात्मक और संगठन में जो समय समय पर प्रवास और प्रदेश के पदाधिकारियों का जो आवागमन चलता है संगठन को मजबूत करने की दृष्टि से, तो अभी जो मंडल केंद्रों तक दौरे थे उनके बारे में समीक्षा का एक कार्यक्रम था जो आज सुबह 11 बजे शुरू हुआ और अभी 2 बजे पूर्ण हुआ। संगठन में विस्तार की दृष्टि से समीक्षा करने का काम प्रदेश के लोग करते रहते हैं समय समय पर, उसी दृष्टि से ये कार्यक्रम था। डीजे नमाज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।